खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा इलाके के चंदपुरा गांव से जुड़ी है, जहां पर आज सुबह एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अपने गांव चंदपुरा से एक ऑटो में स्कूल गड़ाकोटा के लिए आ रही थी। लेकिन रास्ते में वह हादसा हुआ, जिसने भी देखा बस कुछ पलों के लिए वह सहम सा गया। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी अनुपमा विश्वकर्मा अपने गांव से एक ऑटो में आ रही थी, जहां पर रेस्ट हाउस के पास एक रोड के बीचों बीच गड्ढा होने से ऑटो का पहिया उस गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद यह लड़की आगे की तरफ जा गिरी और फिर ऑटो का पहिया इसके ऊपर से चढ़ गया। बताया जा रहा है कि यह ऑटो ओवरलोड था। फिर जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उनकी मदद से इस बेटी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नीलेश दुबे, खबर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। सर क्या मामला है? एक बच्ची आई है अनुपमा दिनेश विश्वकर्मा चंदपुरा से, 15 साल की है, शरीर में चोट के निशान है, उसको प्राथमिक उपचार के बाद खत्म हो गई है, पोस्टमार्टम के बाद उसको बता पाएंगे क्या कारण है। कहाँ से आ रहे थे भाई? भाई साहब हम बसारी से लौट रहे थे, सायपुर बसारी से जी। तो हमने ऑटो वाले को देखो, ऑटो वाले करीबन 100 की स्पीड में था, तो हमारे सामने हादसा हुआ है, धचका में ऑटो गिरा ब्रेकर पे और वो बच्ची गिर गई। ये बच्ची कहाँ की है? बच्ची चंदपुरा की है। कहाँ पे आ रही थी? जी गड़ाकोटा स्कूल। बेटा क्या नाम है आपका? हमारा शिवानी लोधी। क्या हो गया? पता नहीं, वो ऑटो से आ रही थी तो गिर गई। कहाँ की घटना है बेटा? वरदार के पास बसारी के अंदर। आज सूचना मिली कि सायपुर रोड पर सवारी ऑटो से आते समय स्कूल की बच्ची जो दिनेश विश्वकर्मा की लड़की है, लापरवाही पूर्वक ऑटो चालक द्वारा ऑटो चलाने से गिर जाने से उसको चोट आई, जिसको CHC गड़ाकोटा लाया गया। वहाँ इलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है, जांच जारी है।